अरे चलना है, छोड़ना, गाले गलौज मत करो। तो अभी बज रहे सुबह के 10:30 एंड मौसम देखो कितना प्यारा हो गया। इट्स ऑलमोस्ट 14 degrees राइट नाउ। बादलों के पीछे जो है सूरज ढक चुका है एंड पूरा का पूरा ठंडा मौसम हो रखा है भाई साहब। देख आप लोगों ने, गर्मी थी रात में, ऐसा विंड फ्लो होने लगा, ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई कल रात में। आज जो हम शूट कर रहे हैं आप लोगों ने उसका टाइटल देख लिया है एंड कल कुछ बहुत कुछ नहीं बहुत सारे पॉइंट स्किप हो गए थे अकॉर्डिंग जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे शूट हुआ नहीं। तो टुडे आई एम गोना ऐड दैट पॉइंट्स इनटू माय व्लॉग। तो जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि 500 ऑलमोस्ट होने के लिए आए हैं हमारे सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ शेयर करो एंड तक ब्लॉग जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना एंड अच्छा लगा किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू शेयर इट। तो मिलता हूँ आप लोगों को सीधा बाइक पे। तो अस्सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यानी अपने भाई की नगरी। आप सब लोगों का स्वागत है विद माय सुल्तान। तो आज मैं अपने भाई के साथ में जा रहा हूँ छोटू को लेके। वो गाड़ी एक्चुअली धो रहा था तो मेरी भी गाड़ी धो दी भाई ने, थैंक यू सो मच गाड़ी धोने के लिए। तो आज वो वीडियो में भी हेल्प कर रहा है अपने को। तो भैया काफ़ी टाइम बाद हमें टाइम मिला ये चीज़ को। तो वॉश होने के बाद थोड़ा टाइम लगता ही है इसको स्टार्ट होने। अभी कुछ है 6442, तो इसमें जितना भी फ्यूल है मैं फ्यूल पंप के पहले ही खाली करने वाला हूँ और फिर वहाँ पे फ्यूल अप करवाऊँगा 1 लीटर। उनको हमेशा ये फ्यूल पंप जाना है तो रॉन्ग साइड से ही जाना पड़ता है, क्योंकि उस साइड से जाने के लिए रोड क्रॉस करो, सिग्नल लगता है एंड फिर BRT का टेंशन, फिर उस साइड का टेंशन, फिर वहाँ से नेक्स्ट चौक से यू टर्न मारो पेट्रोल पम्प के लिए। तो इसके लिए सिंपल है कि हम छोटा सा शॉर्टकट अपनाएं। थोड़ा बहुत खतरा है लेकिन अपन अपनी स्पीड में ही जा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये रहा अपना फ्यूल पंप, अभी अपन खाली करेंगे इधर ही अपने पेट्रोल को और फिर हम लोग जाएंगे और फ्यूल भरवाएंगे। कल की जो समस्या थी, मतलब समस्या तो कुछ भी नहीं, कल का वीडियो बहुत अच्छा रहा एंड बहुत लोग वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छे से दे रहे एंड आई थिंक वो भी ट्रेंडिंग में जाए, ट्रेंडिंग इन द सेंस एक 20-25 हज़ार व्यूज़ भी आ जाए यार, काफ़ी अपने लिए। ये भाई साहब जब देखो तो फ़ोन में लगा रहता है, इसका कार डीलिंग का काम है। स्नीकर्स डाला हूँ मैं, मुझे यहाँ पे मार लगा एंकल पे और ये देख रहे हो घेरे डाल डाल के। उस वाले वीडियो में ही मैंने इसका उद्घाटन किया शूज़ का, स्नीकर्स का। आई थिंक अच्छे लग रहे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी आप लोगों को वीडियो जो भी जैसा भी लग रहा है प्लीज़ लाइक करना, एंड तक ज़रूर देखना, छोड़ना नहीं। क्या छोड़ दे छोड़ दे बहुत, अरे खत्म हो गया, इसमें खत्म हो गया पूरा। ओके तो ये 1 लीटर से थोड़ा कम है, ये 1 लीटर की बोतल। चलो थोड़ा सा, इतना सा पेट्रोल बचा है इसके अंदर। अभी पेट्रोल है 109 रुपये 1 लीटर, 109 रुपये का फ्यूल डलवाया भाई 1 लीटर प्रॉपर। ए चल 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 थाम, ए चल चल, अरे चल आजा भाई साजिद को। पहले अपन करते हैं ट्रिप 1 को 0, 30 किलोमीटर का एवरेज दिखा रहा है भाई गाड़ी अपने को। अरे चलना है, छोड़ना, गाले गलौज मत कर। ट्रिप 1 जो है 0 कर दिया, 0 किलोमीटर पर लीटर। अभी देखते हैं भाई, 30 का एवरेज है बोलो तो 30 किलोमीटर तक घूमना है अपने को सिर्फ। तो रहो अंत तक व्लॉग में और मज़े लो। तो आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स वागोली, जहाँ तक जाएगी 15 किलोमीटर जाएंगे, 15 किलोमीटर आएंगे खत्म होता ही। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो भाई साहब इतनी ट्रैफिक लगी कि हम लोगों को लिटरली यूटर्न मारना पड़ा और अभी तक हुआ है अपना 5 किलोमीटर। इस साइड में मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है बिकॉज ट्रैफिक है भाई, ह्यूमिडिटी इतना इतना मौसम ख़राब हुआ है इस साइड का रोड पे का, लेकिन यहाँ पे ठंडी लग रही है
तो जैकेट पुट ऑन किया है मैंने अपना, नॉर्मल वाला है, राइडिंग गियर नहीं है। तो रही बात अपने KTM की, तो भाई साहब लेना चाहिए एडवेंचर इंडियन रोड्स के हिसाब से। लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो ऑलमोस्ट लाइक 800-700 किलोमीटर इन अ डे, तो गाड़ी सफिशेंट है। एंड भाई गाड़ी कितना भी टॉप स्पीड पे जाए बिल्कुल भी वाइबल नहीं होता, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अगर डाउन हिल आया और आप टॉप स्पीड चेस करना चाहते हो तो इट गोज़ अप टू 153-154 किलोमीटर पर आर के स्पीड से भागता है गाड़ी। शॉट ऐसा है कि अभी हम पहुँचे एरोडा की तरफ, यानी कि लगभग 13 किलोमीटर हो गए एंड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 33 किलोमीटर पर लीटर। सायरन बज कर रहा है, अच्छा एम्बुलेंस, गिव अवे टू एम्बुलेंस। तो मैं सोचा कि यहाँ से अभी जाऊँ मीरास कॉलेज की तरफ और फिर वहाँ से आई कम बैक। इट्स 14 किलोमीटर नाउ, तो मैंने ट्रैफिक ही चूज़ किया है यहाँ पे, एवरेज एंड प्लस एडवेंचर बाइक को ट्रैफिक में चलाना क्या हालत होती है, क्या पोजीशन रहता है, कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो वो भी दिखाना चाहता हूँ मैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, ट्रैफिक में भी कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इतना है कि जैकेट पहना हो, गर्मी ट्रैफिक लगेगी, गर्मी स्टार्ट होती है। तो बात ऐसी है कि हमारे हो गए 21 किलोमीटर एंड 33 किलोमीटर का ही एवरेज दिखा रहा है, काफ़ी साइलेंट चल रही है गाड़ी ट्रैफिक की वजह से। तो ये जाता है कोंडवा, दिस गोज़ टू NIBM। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बर्नआउट का वीडियो फोटो शूट करूँ इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आ जा। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा एंड प्लस आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो भाई साहब अभी हम लोग निकले हैं जस्ट यहाँ से फ़ोटोशूट वगैरह करके, जो कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है ऑलरेडी। तो मुझे ये यहाँ साइड का लोकेशन अच्छा लगा थोड़ा, यानी कि कोंडवा रोड का था NIBM। तो अभी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर होने के लिए आया है, तो अभी ऐसे ही निकलेंगे घर की तरफ में, देखते हैं फ्यूल कहाँ बीच में ख़त्म होता है, फिर वहाँ पर फ्यूल अप करवाएंगे। एक छोटा सा सवाल करना था मुझे, ज़रा उसका जवाब भी आप सुन लेना। तो कैसा लगा पीछे बैठ के इतने देर से? बहुत दर्द हो रहा। क्या दर्द हो रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा क्या? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो भाई बोल रहा है ट्रैफिक की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा बैक साइड, लेकिन पिलियन में इतना अच्छा एक लीटर में एवरेज दे रहा है बाइक, इसका मतलब कुछ तो अच्छी बात है। अपने नसीब में सिग्नल भी बहुत लग रहे हैं। किलोमीटर का ये टाइमिंग हो गया अभी तक, जब से मैंने गाड़ी स्टार्ट की 3.1 पे सेट किया, तो 31.7 हो गया है अभी यहाँ पर। तो लेट्स सी कितना किलोमीटर और चलती है। मैं तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो 40 किलोमीटर का रेंज देता है एडवेंचर। तो ये शॉट हो गया भाई, अपने गाड़ी का फ्यूल हो गया ख़त्म एंड एक मिनट। तो अभी जस्ट फ्यूल ख़त्म हो गया, वो भी कितना 33 किलोमीटर, मतलब 34 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैफिक में इतना एवरेज दे रही है मुझे एक लीटर में, ये देख सकते हो आप लोग। रियल टाइमिंग 2:15 हो रहे हैं अभी। सोचो ट्रैफिक में अगर मुझे इतना एवरेज दे रही है बाइक तो हाईवे पे कितना देगी। तो मैं घर पहुंच चुका हूं एंड डोंट माइंड फॉर दिस वाइट टी शर्ट, ये था अपना लिया हुआ डीकैथलन से, जो कि मुझे अभी भी याद आ रहा है, काफ़ी टाइम बाद मैं इसको पहन रहा हूं, तो मैं लिटरली भूल गया था कि मैंने इसको कहाँ से लिया था। एंड हमारा ये स्टूडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पूरा आप लोग देख सकते हो साफ हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा सेटअप करना है, यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह आएगा, तो आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर दैट। आप लोगों को जो आज का जो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। नए हो तो इसके पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने अपलोड कर दिए हैं,
बाइक के कंटेंट के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ स्किप भी होता है, मिस हो गया मुझसे, तो आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट। बाकी सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सुनने और बात करने में बहुत मज़ा आती है, तो बात आप लोग समझ रहे हो बात, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम लोगों को, यानी कि मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ़ यू हैव मनी गो विथ कैश, डायरेक्टली कैश में ले लेने का बाइक, या तो फिर सीधा सीधा EMI पे करो। लेकिन अगर आप लोगों को मंथली अच्छा खासा पेमेंट आता है आपके जॉब से या फिर आपके बिजनेस से, कोई भी बोलो जो भी सोर्स रहेगा आपका इनकम का, तो ही लेना, वरना नो। तो EMI पे तो मैं मना ही कर रहा हूँ, बिकॉज या आई नो द स्ट्रेस ऑफ दैट। बाकी तो बाइक में 1% का भी प्रॉब्लम नहीं है। जब लॉन्ग ट्रिप का प्लान करेंगे हम, मैं तो आप लोगों को बता ही दूंगा, तो आप तो मेरे साथ जुड़े रहना यूट्यूब पे, एंड आप लोगों को बहुत जल्दी पता भी चल जाएगा कि मैंने प्लानिंग क्या हो गई लॉन्ग ट्रिप को लेकर। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बे गुड, डू गुड, फिया मारिल्ला।